आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली को लेकर यूपी से बिहार तक छात्रों के गुस्से के बाद रेल मंत्रालय ने शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बना दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से इमोशनल अपील करते हुए कहा कि वो उनके भाई हैं और सरकारी संपत्ति का नुकसान न करें। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ने तमाम बातें साफ की कि अब एक कमेटी गठित की जाएगी जो मामले की जांच करेगी। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन छात्र किसी के बहकावे में ना आए, ये रेल मंत्री का साफ तौर पर कहना था। अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं, आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। नहीं, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है, ये देश का मामला है, इसको हमें सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए और इसमें हर तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। देखो, जो पुलिस की प्रक्रिया है वो अलग चीज है। मैं अभी मुद्दा है जो, उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करें उस पर सोचना चाहिए। हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। सब जगह लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का जो रोल होता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है और हम भी कॉन्स्टेंटली टच में हैं, कंटिन्यूसली टच में हैं। और जो आज कमेटी की बात भी सबके पास जा चुकी है ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जगह से स्टूडेंट्स ने इस विषय को स्वीकार भी किया है। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर सारे स्टूडेंट बंधुओं को, छात्रों को, कैंडिडेट्स को, कि आप प्लीज अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने पॉइंट को, अपने कंसर्न को, अपने विषय को, अपने मुद्दे को फॉर्मली रखिए। हम इसको एकदम संवेदनशीलता के साथ टैकल करेंगे। अब आपको दरअसल वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिसकी वजह से रेल मंत्री को इस तरीके से सामने आकर इमोशनल अपील करनी पड़ी। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, गया, आरा, पटना, जहानाबाद, बिहार के वो हिस्से जहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। रेल ट्रैक पर ये छात्र प्रदर्शन करने लगे, कई ट्रेनों को आग के हवाले भी किया गया, तोड़फोड़ की गई। और इसी के बाद रेल मंत्री द्वारा ये अपील कि इस तरीके से रेल की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, ये आपकी भी प्रॉपर्टी है, किसी के बहकावे में ना आए। जो भी आपके मन में इस वक्त चल रहा है या फिर आपको शिकायतें हैं वो हमें बताएं और इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। और रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले छात्रों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। विद्यार्थी को लिए तो आप सोचिए सरकार, ये विद्यार्थी मर जाएगा। आप किस आधार पे डी ग्रुप का बहाली करने जा रहे हो और सेकेंड CB2 का एग्जाम लेने जा रहे हैं? क्या IPS की बहाली कर रहे हैं? रेलवे सरकार से यही मांग है कि NTPC रिजल्ट रिवाइज करे और रेलवे डी ग्रुप का CB2 एग्जाम कहीं से नहीं बनता, आज तक भविष्य में कभी हो भी नहीं किया, तो आज कैसे होगा? इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वैकेंसी कहने का मतलब, रेलवे कोई भी अगर वैकेंसी निकालती है तो सबसे पहली बात, वो जिस तरह से SSC अपना कैलेंडर जारी करती है कि इस तिथि का आपका वैकेंसी दिया जा रहा है, इस तारीख आपका इस डेट को एग्जाम लिया जा रहा है, उसी तरह रेलवे अपना भी जो कोई वैकेंसी देने से पहले अपना फरमान जारी करे कि इस तिथि का हम रिजल्ट लेंगे, इस तिथि का आपको यानी कि एग्जाम होगा, और जो भी करना है एग्जाम से पहले कर दे। क्योंकि जिस समय ग्रुप बी का फॉर्म रहा उस समय CBT 1 और CBT 2 का कोई जिक्र नहीं था।